गांवों में भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोला जाएगा, इसको ग्रांट दिया जाएगा। लेकिन इसी में स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में पूछा तक नहीं गया है, इसको किस रूप में देखते हैं? पहली बात तो जो मैं कहना चाहता हूँ, इस पूरे सरकार में 2.5 सालों में स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे चिकित्सकों के 30% से ज़्यादा पद खाली हैं। इनके पास आज पूरे के पूरे कोविड के दौरान हमने देखा कि कैसे व्यवस्था लचर थी और चरमरा गई थी। अब बहस इस बात की होनी चाहिए कि हम अपने PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ऊपर के हॉस्पिटल को बेहतर करें, सुविधा उसमें उपलब्ध कराएं। अब ये बहस नई बहस छिड़ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल खोले जाएं। सवाल, सरकार किसी विषय को लेकर क्या कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं होता? क्या सरकार की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि गृह मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री जी क्या किस विषय पे विचार व्यक्त कर रहे हैं और उनकी भविष्य की कार्य योजना क्या है? और भविष्य के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा में लाने के लिए सोच रहे हैं। क्या ये आपस में बैठकर कभी चर्चा नहीं करते कि इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं? जब TS सिंहदेव साफ शब्दों में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ये उनकी जानकारी में नहीं है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कैसी चल रही है, किस प्रकार की स्थिति है। स्वास्थ्य जैसे सेंसिटिव इश्यू में, हेल्थ जैसे सेक्टर में जब ये हालत है तो बाकी मंत्रियों की भी क्या हालत होगी? इसका मतलब वन मैन शो चल रहा है, लोगों की आम राय बनाकर कैबिनेट में बैठकर किसी विषय में चर्चा नहीं होती और इसलिए इस प्रकार के मतभेद सामने आते हैं और इसका नुकसान जनता को होता है।